कि मैं आज तक तुम्हारे साथ आठ अष्ट भार्याओं को सत्यभामा को गोपिकाओं को तुम्हारे साथ सब तरफ देखा है जगन्नाथ। आज तुम अपने बहन के साथ खड़े हो, अपने भाई के साथ खड़े हो और यह दृश्य मेरे लिए बहुत आनंदमय है। तुमने मैंने आज तक तुम्हारे साथ दूसरे दूसरे स्त्रियों को ही खड़े होते देखा है और उसकी पवित्रता और इसकी पवित्रता में बहुत फर्क है। मैं आज चाहती हूँ कि तुम आज जैसे खड़े हो इस जगन्नाथ मंदिर इस संसार में आने वाले सारे भक्तों को भात देने के लिए, उनकी अनाथ की मिटाने के लिए, उनके भोजन को मिटाने के लिए नित्य भंडारा हो, ऐसा ही तुम्हारा तीनों का दृश्य। तुम यहीं खड़े रहो और हमारी सबकी रक्षा करो। इसी प्रकार आज सुभद्रा बलभद्र और उस नारद की प्रार्थना करने पर, रुक्मिणी माता की प्रार्थना करने पर तीनों वैसे ही खड़े हो गए। उनका सारे संसार में उसको पुष्टि हुई और कहा कि तुम्हारा यह दर्शन जो भी लेगा उसके घर में कभी अन्न या धन धान्य की कमी नहीं होगी, इसका आशीर्वाद दो। और रूठी हुई लक्ष्मी भी इनका दर्शन करने के बाद वापस आएगी, इसका आशीर्वाद प्रदान करो। और वैसा ही हुआ। आशीष लिए आज बलभद्र और सुभद्रा का यह दर्शन हमारे लिए धन धान्य प्रदान करने वाला है। ये होते हुए रुक्मिणी पीछे खड़ी हुई भी, कहीं भी हम देखते हैं राधा कृष्ण या रुक्मिणी वल्लभ, रुक्मिणी गोपाल, रुक्मिणी श्री कृष्ण, सत्यभामा कृष्ण, ऐसा देखते हैं। लेकिन यहाँ की विशेषता यह है कि वे वहाँ खड़े हुए थे। एक पहली कथा हुई। दूसरी कथा ये है कि प्रभास क्षेत्र में जहाँ द्वारका है, सोमनाथ का मंदिर है, श्री कृष्ण का अंतिम देह में जिसने बाण मारा था कल्कि ने, उनके अपने को लगा उनका अवतार कार्य उन्होंने समाप्त किया। प्रभास क्षेत्र का मतलब होता है सोमनाथ का मंदिर। आज भी वहाँ हम देख सकते हैं कृष्ण की, कृष्ण ने जहाँ ने अपने अंतिम सांसें ली थी वो क्षेत्र। तो कहते हैं कि वहाँ कृष्ण के उस कृष्ण जैसे प्राण छोड़े, उनके देह संस्कार हुआ, तो वहाँ उनका हृदय जला नहीं, हृदय वैसा ही रहा। ये लोगों ने नहीं देखा, समुद्र जोर से आए और उस हृदय को बहा ले गया। वो हृदय बहा लेकर बहते बहते हुए जिधर आया वो ये क्षेत्र था, समुद्र से बहते हुए आया। और वहाँ यहाँ के राजा इंद्रद्युम्न थे, उनके सपने में श्री कृष्ण ने जाकर कहा कि मैं मेरे स्थान पर आया हूँ, तू मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा कर। और कहते हैं कि इसके दारू, देवदारू वृक्ष जो होता है, उस देवदारू वृक्ष का एक बहुत बड़ा झाड़ वहाँ से बहते हुए आ रहा था। तो उसमें उसने कहा कि उस खंभे में मेरी प्रतिष्ठा करके मेरी मूर्ति की स्थापना कर। उनके कहने पर उस हृदय को उसमें रखकर प्रतिष्ठा करते हैं और हर 12 साल को उस लकड़ी को बदल देते हैं, लकड़ी का संस्कार करते हैं। आज युवाओं से यह चले हुए आ रहा है, इसलिए कृष्ण का हृदय यहाँ रहने के कारण आज देखते हैं लाखों लोग। आज जिस कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम यहाँ आए हैं, लाखों लोग, 10 से 20 लाख लोग, रथ यात्रा में तो 10 से 20 लाख लोग होते हैं। इस रथ यात्रा का मतलब क्या है? जब श्री कृष्ण ने यहाँ उनके राजा के कहने पर इस मूर्ति की स्थापना हुई, तो उस मूर्ति को लेकर श्री कृष्ण भगवान अपनी श्रेष्ठता के साथ यहाँ रहने लगे। तो द्वारकावासी, मथुरा, वृंदावन, गोकुल वाले भी कहने लगे, प्रभु अगर आप यहाँ रह गए तो हमारा क्या, कैसे होगा? तब तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हें इसके लिए तो तुम्हें ये कहना है, सुभद्रा तो सुभद्रा की जगह रहेगी, तो मुझे द्वारका मथुरा जाना है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि इस आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन वहाँ से हम हमारे द्वारका और मथुरा जाएंगे। ऐसे ही बलभद्र और श्री कृष्ण रथ में बैठे, सुभद्रा भी आकर मैं तुम्हें सीमा तक छोड़कर आती हूँ, ऐसा कहते हुए वो आई। तब उन्होंने कहा कि माता रुक्मिणी ने कहा कि द्वारका और गोकुल वृंदावन का हाल क्या है, तुम छोड़ गई तो वहाँ पूरी दरिद्रता आ गई है। तो रुक्मिणी ने कहा तुम आने से पहले मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। और रुक्मिणी वहाँ पहुँच गई श्रीनाथ जी के द्वारका में, और बाद में ये लोग रथ पे निकले। तो ये रथ का यात्रा का क्या है? सुभद्रा जी जहाँ अपने एक श्रेष्ठ स्थान तक छोड़ने के लिए आई, उस स्थान को कृष्ण को वृंदावन और गोकुल में फिर स्थान देने के लिए आई, और रुक्मिणी फिर वो महान श्रेष्ठ धनवान क्षेत्र होने के लिए यह रथ यात्रा, जगन्नाथ की रथ यात्रा मनाई जाती है। कहते हैं कि उस दृश्य को जो देखते हैं भारत में, उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की यात्रा में कोई कमी नहीं पड़ती, और वो रथ यात्रा यहाँ संपन्न होती है, इसलिए उसे जगन्नाथ की रथ यात्रा कहा गया। सुभद्रा ने वहाँ उनको छोड़ने के लिए वहाँ तक आए थे, और वहाँ से फिर बलभद्र और द्वारका, गोकुल, वृंदावन, फिर अपना
वास बनाया जहाँ रुक्मिणी आज भी विराजमान है और रुक्मिणी कृष्ण के साथ वहाँ पूजी जाती है। यहाँ सुभद्रा, बलभद्रा और श्री कृष्ण की पूजा होती है तो वहाँ उस श्रेष्ठता के साथ उनकी पूजा होती है। यह नंबर दो कहानी। तीसरी कहानी ये कि प्रभु रामचंद्र जी के काल में जब सारा युद्ध समाप्त हुआ और रामचंद्र जी वापस आ रहे थे, वापस आते आने के बाद सभी लोगों ने अपनी अपनी कठिनाई सुनाई। रामचंद्र ने अपना वनवास सुनाया, सीता जी ने अपना वनवास सुनाया, कहा सब लोग कहने लगे, सब लोग माता के पास अपनी अपनी बात कह रहे थे। लक्ष्मण आए, भरत आए, शत्रुघ्न आए, तो भरत शत्रुघ्न को उनकी पत्नियाँ उनके साथ थी, 14 साल वनवास हुआ, उन्होंने कोई अनुभव नहीं किया, वो नंदग्राम में ही रहे लेकिन कम से कम अपने पति को देखते रह गए। सीता भी अपने पति के साथ रही, कहे रावण ले जाना एक महीने के लिए नहीं, लेकिन जिसने 14 साल तक अपने पति को नहीं देखा, जो अकेली रही तो वो थी उर्मिला। रामचंद्र जी के आते ही जैसे ही रुक्मिणी जैसी उर्मिला ने नमस्कार किया तो रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण तेरी पत्नी थी कैसी हो गई है? हम सब कम से कम हमारे पत्नियों के साथ थे, हमारी पत्नियां हम अपने पति के साथ थी, लेकिन वो एक स्त्री थी जो अपने पति के साथ नहीं थी। सच्चा त्याग तो उसका है। इस अयोध्या में अगर हमारा किसी का भी आगमन का अगर कोई हमें श्रेष्ठ मानता है तो मैं तो कहता हूँ कि हमें नहीं उर्मिला को श्रेष्ठ मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने पति को छोड़कर थी। तब क्या करना भय? लक्ष्मण ने कहा, नहीं भैया, आप सब लोग श्रेष्ठ है, हमारा क्या है, हम तो आपकी सेवा में रहने वाले। इस भावना को जब जागृत किया, उर्मिला ने भी कहा कि मैं पति सेवा में थी, मैं कोई बड़ी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी रामचंद्र जी ने एक वचन दिया कि मैं जहाँ अगले जन्म में रहूँगा वहाँ प्रथम पूजा तेरी होगी और बाद में मेरी पूजा होगी, यह वरदान तुझे देता हूँ। और वो जगन्नाथ में विमला के रूप में आकर आज उर्मिला यहाँ वास करती हैं, और जो विमला की पूजा करने के बाद जगन्नाथ का दर्शन लेता है उसको विमला के उर्मिला ही विमला के रूप में आई थी, और क्षेत्रपाल के रूप में यहाँ पूजी जाती है, ऐसा कहा जाता है। यह एक शास्त्र की यह एक विधान है। इन सबके होने पर भी अब यहाँ इस श्रेष्ठता के साथ साधना इसलिए करनी चाहिए कि अपने सब कुछ होने पर भी लक्ष्मी अगर रूट जाए, लक्ष्मी का रूटना कितने प्रकार का होता है मैं आपको बताता हूँ। पति होने पर भी पति अपने से दूर रहना, और आजकल के जमाने में पत्नी कमाती रहे और पति देखता रहे, अपने पुत्र अपने को ही माता पिता को ही गाली दे, पिता हो लेकिन पिता अपने पुत्रों को ना देखता हो, अपनी जायदाद ना देता हो, जिसके पास जायदाद है लेकिन वो अनुभव करने के योग्य नहीं, या तो कोर्ट कचहरी में है, यानी ये लक्ष्मी के रूठने के विधान है। लक्ष्मी कैसे रूठती है अपने ऊपर, अपने पास तुम्हारे पास जायदाद है लेकिन उसका अनुभव नहीं कर सकते, वो कोर्ट केस में है, या भाई भाई झगड़ रहे हैं, या कुछ है, पुत्र हैं लेकिन हम पुत्र का सुख हमें नहीं मिलता, पुत्र पत्नी के साथ चले गया, या पुत्र पीने वाला है, या पुत्र माता पिता को गालियाँ देता है, ये सारी चीज़ें। पत्नी रहकर भी पति से दूर रहती है, पत्नी छोड़कर जाती है, जिसका भी दूसरा पति पीने वाला पति हो और वो नहीं देख रहा है, पत्नी कमाने वाली हो और पति निष्काम रूप से बैठा हुआ है, पुत्र कमा रहा है लेकिन पिता को कुछ नहीं देता, पितृ पिता होने के बाद भी घर में एक जगह बैठकर एक साथ नहीं बैठकर खाना खाते, ये सारी लक्ष्मी की रूठने की चीज़ें हैं। हमें कभी आज हम पहले ज़माने में देखते थे अपने पिता माता के साथ सब लोग रहते थे, उनको चिरस्थाई से जमीन होती थी, घर हो, अपना घर होता था, अपना गांव होता था, वो कहते थे मैं इस गांव का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ, मुझे यहाँ घर है, मुझे यहाँ जायदाद है, सब है, और वो लक्ष्मी स्थिर रूप में वहाँ रहती थी। लेकिन आज हम भटकते हुए घूम रहे हैं, अमेरिका में जाते हैं, वह बहुत बड़े बात चाव से कहते हैं मेरा बेटा अमेरिका में क्या कर रहा है, नौकरी ढूंढ रहा है, क्या कर रहा है, नौकरी थी छूट गई, अरे फिर तुम किस कहाँ को रहे, तुम तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा दार नहीं, तुम्हें पत्नी नहीं, पत्नी हुई तो पत्नी डाइवोर्स में चली गई, पत्नी किसी भी प्रकार का दुख दे रही थी, तो ये सारी चीज़ें लक्ष्मी रूपने की चीज़ों को, इन चीज़ों से अगर हम यहाँ पाते हैं तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ कि मैंने मेरे माता पिता के कहने पर रुक्मिणी को गाली देकर बाहर से हटा दिया था, और उस पाप के कारण मुझे ये सारी चीज़ें भोगना पड़ा, क्योंकि मैं माता पिता से दूर हो गया। और जो अपने पितरों को विशेष रूप से पूजा नहीं करता, अपने मित्रों को खुश नहीं रखता, उनको किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता, इस सारी सुखों को जड़ वो है जो अपने पितरों को प्रसन्न नहीं देखता।